अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नासिरुल इस्लाम और आप सबका खैर मकदम है मेरे YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो हम पिछले एक दो दिनों से कश्मीर के अंदर है, पहले अनंतनाग में थे, एक दिन दो दिन वहां रुके और शाम को फिर हम आए थे, यानी कि कल 10 मई को हम रात को आए थे यहाँ डूरू एरिया में, लावर मुंडा, यहाँ अपनी एक रिश्तेदारी है। तो आज सोचा कि आप लोगों को भी यहाँ के जो इंटीरियर्स है कश्मीर के वो दिखाए। हम जा रहे हैं वापस अनंतनाग की जानिब, यानी कि इस्लामाबाद की जानिब, लेकिन आज हम सफ़र करेंगे जो डूरू इस्लामाबाद रोड, यानी कि डूरू अनंतनाग का जो रोड है, वहाँ से आपको सीन से दिखाएंगे और लावर मुंडा रोड किस तरह की सीन है यहाँ की, तो वही आपको दिखाएंगे। सोचा अपने जो YouTube फैमिली है उनको भी दर्शन करवाए कश्मीर इंटीरियर्स के। तो फिर आज शाम को इंशाल्लाह हम अपने घर की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं, सुबह की हो रही है 10:30 वक्त हो रहा है, यानी कि समझ लो कि 11 बजने वाली है। तो हम चाय शाय पी के, क्योंकि आज बहुत आराम किया, तो अब चलते हैं यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अभी है हम लावर मुंडा, यहाँ से गाड़ी का इंतज़ार चल रहा है डूरू जाने के लिए, और डूरू से फिर हम चलेंगे अनंतनाग की गाड़ी में। तो फिलहाल गाड़ी का इंतज़ार है, आपको दिखाएंगे कि किस लोकेशन पे अभी हम हैं। लोकेशन कुछ लावर मुंडा की, यहाँ पे ही हमारी गाड़ी आएगी। तो गाड़ी में हम चढ़ गए हैं, यह है कुछ लोकेशन लावर मुंडा टू डूरू रोड। तो हम पहुंच चुके हैं डूरू डूरू टाउन में, यहाँ से हम गाड़ी लेंगे इस्लामाबाद की जानिब। लावर मुंडा से अभी पहुँचे हम यहाँ, कोई टाइम हो रहा है 11, और देखते हैं कि आगे क्या प्लान रहता है, कहाँ की तरफ जाएंगे हम। तो फिलहाल हम गाड़ी पकड़ेंगे दूसरी यहाँ थोड़ा आगे जाके। यहाँ से ही हमें इस्लामाबाद के लिए गाड़ी मिलेगी जिसमें हम चढ़ेंगे। तो पहले गाड़ी ढूंढते हैं। तो गाड़ी में हम बैठ चुके हैं इस्लामाबाद के लिए, दिखाते हैं आपको भी रास्ते के व्यूज़, क्योंकि इसीलिए हम गाड़ी से आए क्योंकि रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं जो हमारे बाहर के जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं। तो फिर आपके साथ मिलते हैं रास्ते में। तो इस्लामाबाद हम पहुंच चुके हैं, रास्ते में आपको व्यू दिखाए हमने। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं आगे, फिलहाल के लिए इतना ही। ये कुछ गलियां जिनसे हम जा रहे हैं शेरबाग में।
पहुंचे हम कुछ ऐसी लोकेशन पे शेरबाग में, आपको भी दिखाएंगे। ऐसी कुछ लोकेशन से हम जा रहे हैं आज, इंटीरियर्स ऑफ अनंतनाग आप कह सकते हैं, शेरबाग एरिया की तरफ हम गए थे थोड़ा पार्क के अंदर, क्योंकि पब्लिक पार्क है वहाँ पर, और उस में बैठने के लिए गए थोड़ा बहुत आपको भी विजुअल से दिखाए। तो आज शाम को घर जाना है, तो इसीलिए तो देखते हैं आगे कैसे व्यूज़ मिलते हैं जो आप लोगों तक लाएंगे हम। बने रहिए हमारे साथ। ऐसे कुछ गलियाँ है जो अनंतनाग की इंटीरियर है, उनमें से हम जा रहे हैं। जनरल बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं हम इस्लामाबाद। यानी कि ये जो है पब्लिक प्लेस है, बहुत ज़्यादा रश होता है इधर, आप देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक है मेरे पीछे भी, आगे के विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। यानी कि पूरा जो खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, अलग अलग जगहों के लिए गाड़ियाँ भी आपको यहाँ से मिलेंगे, जो अनंतनाग का सबसे बड़ा बस अड्डा है इस्लामाबाद बोलते हैं अपने यहाँ।